नमस्ते किसान भाइयों, आज पटवा में जो स्प्रे हो रहा है जंगल मारने वाला, वही आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कमाने से कितना बढ़िया आसान काम है, जो कि आपका एक बीघा में 900 रुपया में सारा काम तमाम हो जाता है और जंगल सारा जंगल नष्ट हो जाता है। यही देखिए, इसमें जो है यह सनराइज है, यह सनराइज 50 ग्राम का है और यह जो है 9 डिब्बा यानी 9 गिलास पानी देके उसमें डाल दिए हैं। और उसके बाद यह जो है एजिल भी, यह भी उसमें 250 ml का है, यह भी उसमें पूरा डाल दिए हैं 9 गिलास पानी देकर, और सारा पानी और दवा देकर मिलाकर अभी जो है कि पटवा में यानी जूट में एक्सप्रे हो रहा है। देखिए, यह एक्सप्रे जो हो रहा है खर पतवार मारने वाला है और इससे सारा खर पतवार नष्ट हो जाता है और पटवा वही 10 दिन 5 दिन जो है कि थोड़ा लगता है कि मुरझाया हुआ, लेकिन फिर वह सुधर जाता है और आपका खर्च जो है महिला जन से जो कमाते हैं 4,000-5,000 टका जो लगता है कमाने में बीघा में, वह आपका बच जाएगा। तो यह देखिए, पटवा में तो जंगल अच्छा है लेकिन यह जो है सब जंगल नष्ट हो जाएगा। तो इसमें नियम यही है कि वर्षा होने के बाद ही एक्सप्रे होना चाहिए, जैसे कि वर्षा होने के बाद नमी आ जाता है खेत में तो उसके बाद एक्सप्रे कर दें, लेकिन एक्सप्रे करने के 2 घंटा बाद उसमें वर्षा पड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2 घंटा कम से कम धूप लगना चाहिए। यही बोरिंग से पानी निकाल कर, यही है सेक्शन पाइप छोटा वाला जो कि इसी से रस्सी लगाकर पानी निकालते हैं। और मौसम तो अभी ठीक है लेकिन वर्षा अगर नहीं पड़ी तो बहुत अच्छा रहेगा, तब तक के लिए जब तक स्प्रे नहीं हो जाता है। स्प्रे होने के 2 घंटा बाद अगर वर्षा पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वही देख रहे हो कि वर्षा का रिमझिम दे रहा है, लेकिन वर्षा नहीं हो तो वही ठीक रहेगा। और यह देखिए एक्सप्रे हो रहा है, मैंने सोचा कि धूप हो गया है अब एक्सप्रे किया जाएगा, लेकिन यह देख रहे हैं कि रिमझिम वर्षा पड़ रहा है। वर्षा होने के बाद तो थोड़ा सा दिक्कत होगा कि खरपतवार मरने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर वर्षा नहीं हुआ तब तो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले तो वर्षा खूब दिया ही था जो कि नमी आ गया खेत में, अब आज जो है कुछ मौका मिला कि धूप निकला है तो एक्सप्रे करेंगे, लेकिन फिर भी बादल लगा दिया है और एक्सप्रे तो हो रहा है, लेकिन अब देखिए अगर वर्षा नहीं हो तो बहुत अच्छा काम करेगा, अगर वर्षा हो गया तो थोड़ा काम कम होगा। तो यही देखिए कि एक्सप्रे हो रहा है, स्प्रे हो रहा है। देखिए कितना बढ़िया से मशीन जो है काम कर रहा है। मशीन का भी कमाल है कि पहले तो हाथ से चलाते थे जो कि मशीन यानी एक्सप्रे से काम होता था, बहुत परेशानी होता था। अब तो इसमें बैटरी सिस्टम हो गया है, रात में चार्ज कर दिए, बस दिन भर आप अपना स्प्रे करते रहिए और बहुत आसान सा काम होता है इसमें, और आवाज़ भी ठीक रहे और काम भी ठीक से चल रहा है।
तो हम किसान को यही कहेंगे कि जूट का खेती अगर करते हैं तो छोटा पौधा में ही अगर आप इस दोनों दवाई से स्प्रे कर देते हैं तो आपका खरपतवार जो है सारा खरपतवार नष्ट हो जाएगा और आपका पटवा को कोई बिगाड़ने वाला बात नहीं होता है। इसमें एक ही खर है जो कि वह मरता नहीं है, वह है गुड़मी। गुड़मी का लत जो होता है वह बड़ा ख़राब होता है, वह मरता नहीं है जल्दी। आपको दिखा रहे हैं गुड़मी का खर कैसा होता है, यह देखिए गुड़मी। गुड़मी जो है वह बहुत, यही है गुड़मी, देखिए ये गुड़मी का खर है, यह लतरता है और लतरने के बाद पट्टू यानी जूट पर गाछ पर चला जाता है जो कि गाछ को थोड़ा ग्रोथ में विकास में वह रुकावट कर देता है, यही गुड़मी है। एक ही खर जो है गुड़मी जो है आपका नहीं मरेगा और बाद बाकी जितना भी खर है वह सब मर जाता है। मैंने यह कई बार अनुभव किया है और बहुत अच्छा काम करता है, तो हम सोचे ही कि और सब किसान को भी यह संदेश दें जो कि खर्च किसान का बच जाए और काम भी अच्छा हो जाए। तो हम किसान को यही कहेंगे कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यानी लाल बटन जो है उसको ज़रूर दबाइएगा और मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। इसी तरह बहुत सारा खेती का अनुभव हम आप लोगों को बताते रहेंगे। धन्यवाद।